एक चीज संजय पुगलिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव ऑलमोस्ट अब तस्वीर साफ हो गई है, और जब तस्वीर साफ हो जाती है तो जीत का सेहरा भी बनता है जो कि मोदी जी के सर पर बन रहा है, तो हार की जिम्मेदारी भी तय होती है। तो हार की जिम्मेदारी कांग्रेस में किसके सर पर तय होनी चाहिए? हेड मस्ट रूल। क्या क्या कुछ सर कटेंगे, सर कलम होंगे इस नतीजों के बाद? कुछ सर कलम होंगे कि नहीं, ये आपका सवाल है। हम लोग एक डिस्क्लोजर देना चाहिए हमारे दर्शकों को। मैं कांग्रेस बीट रिपोर्टर रहा हूँ, और हम सारे लोग जितने दशकों से कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मुफ्त में सलाह देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद जो गलत करता है उसको लगता है कि हम ब्लेम करते हैं, उसको ब्लेम नहीं करते, फिर दूसरे लोगों को ब्लेम किया जाता है, फिर इस्तीफे होते हैं। तो अब इस्तीफों की एक कतार खड़ी की जाएगी, नेतृत्व बदलेगा, फिर चिंतन मंथन शिविर वगैरह के आयोजन होंगे। समस्या ये नहीं है, आज के पूरे पॉलिटिकल आउटकम का एक मतलब है। कौन चाहता है, बीजेपी का समर्थक भी नहीं चाहता कि इतने ब्रूट मेजॉरिटी और डोमिनेंस की बीजेपी रहे। फेल कर रहा है तो देश का विपक्ष फेल कर रहा है, फेल कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी फेल कर रही है। क्यों फेल कर रही है? पब्लिक आएगी, वोट डाल देगी। अभी जो बता रहा था हमारा डेटा सेंटर, 150, 200, 300 वोटों से हार जीत का आप अंतर देखेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता संगठन के लिए लड़ता है, जाकर के वोट डलवाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये जो पूरा गेम है, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत समझ में आने के बावजूद वो इस गेम को ठीक से खेल नहीं पाती है। हालांकि विक्ट्री का अंतर इतना है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन के मैनेजमेंट से काम हो जाता होगा। प्रॉब्लम यह है कि पिछले दिनों में कांग्रेस को ये लगा कि वो बीजेपी का प्लेबुक कॉपी कर पा रही है, और वो चुनाव लड़ रही थी बड़े जोर से सोशल मीडिया पर। इस बात को मैं इम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि इको चेंबर के नॉइज में अपनी आवाजों को सुन करके कोई उभार की गलतफहमी हो गई कांग्रेस पार्टी को, ये नतीजा है। पब्लिक में तो है उनका समर्थन, वोट क्यों नहीं डलवा पाते वो? 40% का वोट शेयर दोनों पार्टियों का है कांग्रेस और बीजेपी में। संजय जी उन नंबरों पर भी ज्यादा रोशनी डालेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी की मेहनत, मोदी जी का डोमिनेंस, लाभार्थी स्कीम का फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता है। करप्शन अगर किसी पर चिपकता है तो किसी बीआरएस पर चिपकता है, और किसी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार पर चिपकता हुआ ज्यादा नजर आता है। कौन कहता है कि बीजेपी के लोग करप्शन नहीं करते? बावजूद उसके ऐसा क्यों होता है? शतरंज की गेम है, आप उसको खेलते कैसे हैं, सवाल ये बड़ा होता है। एक और राहत की बात, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, वो ये है कि ये चुनाव गंदे कर्कश पोलराइजेशन के बिना लड़ा गया। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा शुभ समाचार है कि इस बार बीजेपी ने या किसी भी पार्टी ने उस प्रकार का पोलराइजेशन नहीं किया। वो सब अपशब्द हमने नहीं सुने जो पिछले चुनावों में सुने थे। बीजेपी के लिए भी ये लर्निंग है, बीजेपी की फ्लेक्सिबिलिटी, बीजेपी के अकोमोडेट करने का तरीका और असर्ट करने का तरीका, ये चुनाव शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए पूरी एक केस स्टडी है। थोड़ा उस पर दिमाग लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हार का ठीकरा अपने आप को मिसलीड करने, ईगो के चक्कर में रहने, हाईकमान की धमक दिखाने में बर्बाद होता है। दिल्ली की सेंट्रिसिटी के कारण खराब होता है।